तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आज की वीडियो जो है उसमें आप देखेंगे कि ये गाड़ी बाहर कैसे निकलेगी और कई बार मशक्क़त करने के बाद में ये गाड़ी जो है बाहर निकल पाई थी। और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कितनी दिक्कत उठाने के बाद में ये गाड़ी बाहर निकल पाई है। तो चलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और कल वाली वीडियो में आपने देखा था कि ये गाड़ी जो है बहुत सी कोशिश करने के बाद में भी जो है बाहर नहीं निकल पाई थी। तो अगर हम वीडियो पूरा अपलोड कर देते तो आप देखते कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसीलिए हमने इसे दो पार्ट में बनाया है और ये नेक्स्ट पार्ट है। और पहला पार्ट आप लोगों ने देख ही लिया है और जिसने नहीं देखा है तो वो जा कर के देख सकता है कि ये गाड़ी को कितनी दिक्कत होने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाई है। तो हुआ क्या है कि ये क्रेनें जो हैं अब आगे से, इसमें दो क्रेनें लगेंगी और दो क्रेनें जो हैं इसको आगे से उठाएंगी और एक क्रेन जो है वो पीछे से खींचेगी। तो टोटल हो गई तीन क्रेनें और तीन क्रेनें जब पूरा ज़ोर लगाएंगी तब ये गाड़ी जो है बाहर निकल पाती है। तो कैसे निकलती है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तब आप देख पाएंगे कि ये गाड़ी बाहर कैसे निकली। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी आखिर बाहर कैसे निकल पाई। तो अभी आप देख सकते हैं कि आगे से दोनों क्रेनों को बांध दिया गया है और इसलिए भी बांधा गया है ताकि गाड़ी आगे से थोड़ी सी उठ सके, क्योंकि इसका बीच का हिस्सा जो है वो फंसा हुआ है। और अगर एक साइड से उठाते हैं यानी कि उस साइड से जो पीछे क्रेन जो दिखाई नहीं दे रही है वो क्रेन अगर केवल ज़ोर लगाएगी तो गाड़ी पलट जाएगी। और इस गाड़ी में मुर्गी दाना लोड है और देखिए कि दो क्रेनें जो हैं, अभी आपने वीडियो के शुरू में भी देखा होगा कि दो क्रेनें जब ज़ोर लगा रही है दोनों क्रेनें जो है पीछे से खड़ी हो जाती हैं, फिर भी जो है इसको उठा नहीं पाती, इसके अंदर इतना ज़्यादा वजन है। तो आप देखेंगे अभी कि किस तरीके से जो है ये क्रेनें दोनों इसको उठा रही हैं। देखिए पूरा ज़ोर लगाने के बाद भी क्रेनें जो हैं पीछे से उठी जा रही हैं, दोनों क्रेनें उठी हुई हैं और एक क्रेन का बूम जो आपको दिखाई दे रहा है जो कि इसको पीछे खींच रहा है। और तीनों क्रेनें जब ज़ोर लगाएंगी तब ये गाड़ी जो है बाहर आ पाएगी। और इस वीडियो में एक चीज़ और भी है, अभी आप रोडवेज़ वाले की बदतमीज़ी देखेंगे कि कितना ज़्यादा बदतमीज़ है रोडवेज़ वाला, जो कि ये क्रेन जब इसको हटा के पीछे हटेंगी तो ये क्रेनें दूसरी साइड पहुँचेंगी और इनको घुमाया जाएगा तो रोडवेज वाला जो है वो रॉन्ग साइड आ करके और इन लोगों के साथ में कितनी बदतमीजी करेगा अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए तब आप देख पाएंगे कि कितने बदतमीज होते हैं रोडवेज वाले और कितनी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, मतलब कि उसे 5 से 10 मिनट का जो है सब्र नहीं है। और इसी रोड पर बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है जहाँ पर लोग आधा आधा एक एक घंटा जो है फंसे रहते हैं, वहाँ पर रुकना गवारा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक गाड़ी बाहर निकाली जा रही है और कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर रुकना उसको जो है गवारा नहीं होता है। तो गाड़ी बाहर निकल आई है और क्रेनों के साथ साथ इसके अंदर ड्राइवर भी बैठा हुआ है जो कि ट्रक का भी पूरा ज़ोर लगा रहा है और उसने इतना ज़्यादा एक्सीलेटर खींचा है कि गाड़ी में से जो है धुआँ निकलने लगता है। अभी आप आगे देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए बाहर निकल आई है गाड़ी और आगे से थोड़ा सा नुकसान हुआ है, कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके टायरों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और रोडवेज वाले की बदतमीजी जो है हम आपको सुनवाएंगे अभी कुछ देर के बाद में। ये लीजिए गाड़ी बाहर निकल आई है और अब इसको निकाला जा रहा है, क्रेनें हट जाएंगी यहाँ से और ये तार जो नीचे चेचिस में बंधे हुए थे वो खोल लिए जाएंगे। और ट्रैक्टर की हालत देखिए कि कहाँ गिरा है ट्रैक्टर जा कर के, एक ही ठोकर पड़ते ट्रक की, क्योंकि ट्रक के अंदर जो है वज़न बहुत ज़्यादा था इसलिए ये ट्रैक्टर नीचे गिरा जा करके। और ये ट्रैक्टर जो है आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये जो मिट्टी बराबर करते हैं ट्रैक्टर रोड के काम में, वो वाला ट्रैक्टर है ये। तो अब क्रेनें जो है हटने लगी हैं और वो देखिए रोडवेज आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है सामने और रॉन्ग साइड आया हुआ है।
और अभी मैं आपको दिखाऊंगा और सुनवाऊंगा भी कि किस तरीके से जो है रोडवेज वाले ने बदतमीजी करी है इन लोगों के साथ में। लेकिन जो क्रेन का आपके क्रेन के जो मालिक हैं जिनकी ये तीनों क्रेनें हैं वो भी भैया कम नहीं किसी से, वो किसी से दबे नहीं और बराबर से जो है मतलब रोडवेज वाले से भिड़ गए बहुत बुरी तरीके से और काफ़ी तू तू मेमे भी हो गई और शायद गाली फकड़ी भी हुई है इनके साथ में। तो अभी हम आपको सुनवाएंगे, पहले आप गाड़ी देख लीजिए कि गाड़ी की क्या हालत हुई है। ये ऑपरेटर जो हाथ हिला रहा, देखिए इसी के साथ में अभी बदतमीजी होगी, रोडवेज वाला जो है ज़बरदस्ती को छेड़ लाएगा और बार बार हॉर्न मारेगा। तो चलिए आपको रोडवेज वाले की बदतमीजी सुनाते हैं चल के। इतने लोग जाम में फंसे खड़े हैं, उन सबको सबर है लेकिन ये एक अकेला ऐसा बंदा है जिसको सबर नहीं हो रहा है और कह रहा है कि क्रेनें हटाओ और मुझको निकलना है जल्दी से। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बदतमीजी करते हैं ये। तो दोस्तों आप लोगों ने रोडवेज वाले की बदतमीजी देखी और इसको थोड़ा सा फेमस करिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए अपने यार दोस्तों के साथ ताकि पूरे भारत में ये वीडियो फैल सके और इस रोडवेज वाले की बदतमीजी जो है देखी जा सके। हम जानते हैं कि ये टाइमली पहुँचते हैं लेकिन जहाँ पर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर तो रुकना ही पड़ेगा। तो वीडियो देखने में हो सकता है कि आप लोगों को मज़ा आया हो और कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंचता रहे और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।